हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक अलजेब्रा का ट्रिक पढ़ेंगे जो बहुत दिन से इंतज़ार था। देखिए, अलजेब्रा मतलब होता है बीजगणित। इसमें आप लोग ना जैसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है, इधर मान लीजिए टू दिया हुआ है, तो एक्स के पावर स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर रहेगा तो कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। अगर रहेगा एक्स के पावर थ्री प्लस वन बटा एक्स के पावर थ्री रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अगर एक्स के पावर फोर प्लस वन बटा एक्स टू द पावर फोर रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। एक्स टू द पावर फाइव प्लस वन बटा एक्स टू द पावर फाइव रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अगर एक्स टू द पावर सिक्स रहेगा, वन बटा एक्स टू द पावर सिक्स रहेगा, तो ये सबका कैसे सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिक। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अगर वन एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर दिया हुआ है तो ये सब का सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये सब का जनरल फार्मूला तो होता है, जनरल फार्मूला से सब लोग समझते होंगे, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू ट्रिक, कि कोई भी ट्रिक रहे उस ट्रिक से एकदम जल्दी से, एकदम जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका सोल्यूशन करके आंसर ले आए, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इस वाला ट्रिक नहीं देखे, जैसे अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू या अंडर रूट नाइन अंडर रूट नाइन अंडर रूट नाइन, इस तरह का ट्रिक अगर अभी तक नहीं देख पाएंगे इस तरह को कैसे सोल्यूशन करें, तो उसका वीडियोज आप लोग ऊपर में आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे देखिएगा क्लिक करके, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पे फर्स्ट लिंक ही क्या करना है, फर्स्ट लिंक को क्लिक कीजिएगा, वहां से आप लोगों को सारा ट्रिक देखने को मिल जाएगा। करने का एकदम सिंपल और सरल तरीका, तो एक एक करके पहले देखेंगे, एक एक ट्रिक उठाएंगे, स्क्वायर से चलेंगे और फिर लास्ट तक जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और दोनों साइड से बताएंगे। अगर ये मतलब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर टू दिया हुआ, तो हम लोग से अगर पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है, तो इसका भी देखेंगे। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का कुछ वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ पूछ रहा है, तो इसका भी देखेंगे कि इससे इसमें कैसे आया जाता है। इससे इसमें तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन फिर इससे अगर इसमें भी जाना होगा तो उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर, अगर आप लोगों को दिया हुआ एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर मान लेते हैं फोर दिया हुआ है, और अगर आप लोग से पूछ रहा है कि हमको निकाल के बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे आएगा, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। अगर ध्यान रखिए, हम लोगों को जाना कहाँ से प्लस में जाना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस से प्लस में जाने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे एक चीज लिख दे रहे हैं, अगर प्लस से प्लस में जाने के लिए बोल रहा है तो आप लोग इसको सॉल्यूशन करते समय माइनस लीजिएगा, अभी बताएंगे इसका मतलब क्या होगा। अगर दोनों जगह प्लस होगा तो क्या लेना है माइनस, अगर एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहेगा तो क्या लेना है प्लस, और अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस लेना है तो क्या रहेगा प्लस, अगर दोनों जगह माइनस रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे प्लस। तो ध्यान रखिएगा, एक ही कंडीशन है जिसमें हम लोगों को माइनस लेना है, बाकी जो कंडीशन और कंडीशन है उसमें हम लोग को प्लस प्लस लेना है। यानी जहां पे अगर हम लोग को प्लस प्लस दिखे, जहां पे हम लोग को प्लस प्लस दिखे उसके लिए हमेशा ध्यान रखना माइनस लेना है, और इसके अलावा अगर कुछ भी दिखे, या तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या लेना है प्लस। अब इसका यूज कहाँ करना है सो देखिए, हम लोगों को यहाँ क्या दिया हुआ है, हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर फोर दिया हुआ है, हम लोग से पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा ऐसा जहां पे भी क्वेश्चन मिले और इसका एक जनरल फॉर्म बना दे रहे हैं। अगर मान लीजिए एक्स प्लस वन बटा एक्स, ध्यान रखिएगा एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर अगर के दिया हुआ है, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर के दिया, और अगर हम लोग से पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ प्लस है, प्लस से प्लस की ओर जा रहे तो माइनस होगा। तो इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि इसको कहिए क्या, के का स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस प्लस था इसीलिए यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, यही यहाँ पे बताने के लिए हम इसको लिखे, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस, यानी के स्क्वायर में से क्या करना है दो घटा देना है, बस ये जो दिया हुआ यहाँ पे वैल्यू उसको स्क्वायर करके ये जो दो है पावर उस दो को इसमें से घटा देना है, बस और कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, बस जो दिखा हाँ एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर फोर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बट सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ठीक है हम जानते हैं एक्स प्लस, इसको लिख लीजिएगा, ये जनरल फार्मूला है, इस जनरल फार्मूला को लिख लीजिएगा कि अगर
सबके बारे में भी बताएंगे, सबके बताएंगे ये वाला कि अगर एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर के दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट यहां से इसका वैल्यू ये डायरेक्ट यहां से लिख दीजिए, हाँ, लिख देना क्या के स्क्वायर माइनस टू। जैसे देखिए एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर फोर दिया हुआ है तो अगर हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो के बराबर क्या है, के बराबर यहाँ पे देखिए के बराबर चार दिया हुआ, यानी चार स्क्वायर माइनस दो क्या होगा, चर्चों का सोलह माइनस दो बराबर फोर्टीन, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये। इस तरह का जहां पे भी क्वेश्चन मिले, जिस जगह पे क्वेश्चन मिले उस जगह पे एकदम यही लगा देना है। अगर यहाँ पे ध्यान केवल देना है क्या कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस दोनों जगह प्लस रहेगा तो यहाँ क्या होगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा तो देखिए एक जगह माइनस हो जाएगा एक जगह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी जैसे देखिए आगे बताते हैं तो इसको भी मिटाते हैं, बगल वालों को रहने देते हैं वो काम देगा। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर x प्लस वन बटा एक्स बराबर दिया हुआ है दो, दो नहीं नौ, और अगर हम लोग से पूछ रहा है क्या कि अगर हम लोग से पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आराम से क्या करना है कि यहाँ प्लस से प्लस जा रहा है तो इसको क्या करें स्क्वायर कीजिए, यानी नाइन का स्क्वायर माइनस क्या करना है टू, नौ नवा इक्यासी, इक्यासी में से दो गया क्या आ जाएगा सेवेंटी नाइन, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर में पूछे तो ये वैल्यू होगा, और अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर नौ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर इतना पूछा, अगर मान लेते तो इतना बराबर 29 आएगा। अगर ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे चेंज करके बोल दे कि अभी एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर नाइन है, एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर नाइन है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो फिर क्या करना, अभी हम लोग को माइनस प्लस मिल गया तो कहाँ देखिए माइनस प्लस तो क्या लिखना है प्लस, यानी इसका स्क्वायर यानी नाइन के स्क्वायर अभी क्या लिखेंगे प्लस टू, हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ अगर दो रहेगा तो इसमें दो ही जोड़ना है, यानी नौ नवा इक्यासी प्लस दो, इक्यासी प्लस दो, दो एकम सॉरी दो और एक तीन आठ एटी थ्री, इसका आंसर आ जाएगा। तो जहां पे भी स्क्वायर मिले स्क्वायर का फॉर्मेट ये सेम चीज। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। अब आते हैं क्यूब में, फर्स्ट देखते हैं कि अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर थ्री दिया हुआ और अगर हम लोग से पूछे कि एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा तो इसको कैसे करना है, तो अभी हम लोग स्क्वायर पढ़े, अभी क्या पढ़ेंगे क्यूब पढ़ेंगे, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। अगर एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर के दिया हुआ रहेगा और हम लोग से पूछेगा क्या, हम लोग से पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा तो इसका एकदम जनरल फॉर्मूला, इसका फाइनल आंसर कैसे आएगा, सो देखिए इसका फाइनल आंसर आएगा ये जो के दिया हुआ है इस के को क्या करना है क्यूब करना है, ये जो के दिया हुआ है इस के को क्या करना है क्यूब करना है, और यहाँ पे दोनों जगह प्लस प्लस है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना है माइनस, और माइनस क्या लिखना है थ्री के, जो भी ये के का वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ थ्री से ही मल्टीप्लाई करना है और के का वैल्यू जितना भी है वहां पुट कीजिए और इसका फाइनल आंसर पाइए। तो इस तरह का सॉल्यूशन इस फॉर्मूला से करना है, क्या के क्यूब माइनस थ्री के क्यूब माइनस थ्री के, यानी एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर के जगह क्या दिया हुआ है तीन, तो हम लोग क्या करेंगे तीन के पावर तीन माइनस थ्री, के की जगह कितना रखेंगे के की जगह थ्री, यानी थ्री गुने थ्री, तीन त्याई नौ तिया सत्ताईस माइनस तीन त्याई नौ क्या हो जाएगा सत्रह में से नौ आठ सत्रह यानी अट्ठारह, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, अगर जहां पे भी दिखे एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर थ्री, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर थ्री और हम लोग से पूछे कि एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा तो इसको आराम से क्या करना है एक्स प्लस एक्स बराबर एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर के दिया हुआ रहेगा तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर लगाना है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला से हम लोग एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी के क्यूब माइनस थ्री के का वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्ट सॉरी एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा के क्यूब माइनस थ्री के, यानी थ्री के पावर थ्री माइनस थ्री इंटू थ्री, तो क्या होगा तीन तिहाई नौ तिया सत्ताईस माइनस तीन तिहाई नौ बराबर अट्ठारह। अगर इसी तरह से देखिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसी तरह से केवल हमको हम फॉर्मेट आप लोगों को सिखा दे रहे हैं। ठीक ना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग को माइनस दे दिया एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर थ्री और हम लोग से पूछे कि एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा तो जस्ट अभी तुरंत बताएं कि अगर जहां पे माइनस पूछे माइनस दे
तो उसके लिए एकदम जनरल फॉर्मूला क्या करना, जो भी जनरल फॉर्मूला इसका क्या था, के क्यूब अगर प्लस रहता था तो यहाँ पे माइनस करते थे 3 के, अभी क्या है माइनस प्लस, तो यानी क्या है माइनस प्लस, तो अभी यहाँ क्या करेंगे प्लस, यानी के क्यूब प्लस 3 क्यूब, और कुछ नहीं करना है, क्या करना है के क्यूब प्लस 3 क्यूब, यानी अब इस अब अगर इसका अब हम लोग को सोल्यूशन करना है तो अगर जहां पे भी क्यूब मिले तो के क्यूब प्लस 3 के, यानी के की जगह क्या है 3, यानी 3 के पावर 3 प्लस 3 × 3, 3 × 9 = 27 प्लस 3 × 9, 9 × 10 = 16, 16 × 6 = 3, 36 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 2 गो हो गया, 3 का पावर हो गया, अब आते हैं 4 के पावर में। अगर 4 का पावर दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अगर हम लोगों को मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को थर्ड किस तरह से पूछ सकता है, और देखिए ज्यादा भारी भारी नहीं पूछता है इसमें, अगर भारी भारी नहीं ज्यादा भारी भारी पूछता ही नहीं, अगर पूछेगा भी तो उसका भी उपाय है, हर एक चीज का उपाय है। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग दिया हुआ रहेगा 1/x, 1 + 1/x बराबर अगर 5 दिया हुआ है, 1 + 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, अगर हम लोगों को वैल्यू अभी पूछे कि मान लेते हैं कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 रहेगा, तो इसको क्या, इसको हम लोग कौन सा मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। x प्लस 1/x बराबर 5 है, अगर हम लोग से पूछे कि अगर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 है तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, x^4 + 1/x^4, तो ये देखिए, तो ये दो जैसा हम लोग एक्स स्क्वायर था, इसी को ना दो बार करेंगे, स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि के स्क्वायर अगर प्लस में रहता था तो क्या करते थे के स्क्वायर माइनस 2, और यहां से जो वैल्यू आया अब इसी को एक बार फिर से क्या करेंगे, फिर इसी को अभी हम लोग करेंगे मान लेते दूसरा वैल्यू लेके बी स्क्वायर माइनस 2। जैसे देखिए किस तरह से इसको करेंगे कवर ना, वो देखिए अगर जहां पे भी इस तरह से क्वेश्चन मिले, यहाँ पे अगर 4 मिले और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर 4 दे और यहाँ पे प्लस दे, तो इसको किस तरह से कॉन्सेप्ट करना, जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको चेंज कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग कैसे चेंज करते थे, ये जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का स्क्वायर करते थे, यानी 5 के स्क्वायर, और इसमें क्या करते थे -2 घटा देते थे, यानी 5 × 5 = 25, 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 23 मिलेगा, 23। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या मिला 23, लेकिन हम लोगों को जाना कहाँ है 4 तक। अब इस 23 को क्या करेंगे एक बार और इसी के जैसा बिहेव करेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी 23 के स्क्वायर कर देंगे और अभी क्या करेंगे -2। तो ध्यान रखिए एक स्टेप पहले ये काम करना है, ये वाला पहले काम करना, इसके बाद जो भी इसका वैल्यू आएगा उस वैल्यू को फिर से इसी के जैसा एक बार फिर करना, ठीक ना। तो 23 में कितना होता है 529, ठीक है ना, 3 × 9 इसका भी ट्रिक है, 3 × 9 3 × 6 = 12 और 2 × 4 = 5, 529। तो इसका भी स्क्वायर का ट्रिक आप लोगों को बताएं कि किस तरह से स्क्वायर निकालना है, तो उसको भी देखिएगा, ऊपर में आई बटन में लिंक दे देंगे। तो देखिए 5 529 माइनस क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, तो 529 में से 2 घटाएंगे यानी 527 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो क्या करना, आराम से इस मेथड से बना देना। अगर मान लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर दिया हुआ रहेगा x + 1/x = 3 दिया हुआ है, और अगर हम लोग से पूछ रहा है कि x^4 + 1/x^4 का वैल्यू क्या होगा, तो आराम से क्या करना, सबसे पहला स्टेप है हम लोग का कि इसको क्या कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, यानी 3 के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर में से पहले 2 घटाएंगे, तो 3 × 9 में से 2 घटाएंगे कितना आया 7। अब फिर क्या करेंगे, अभी फिर वही मेथड इसके साथ करेंगे, अभी फिर करेंगे 7 के स्क्वायर, अभी क्या करेंगे यहाँ पे 7 है तो अभी करेंगे 7 के स्क्वायर माइनस, अभी इसमें से फिर 2 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा तो हमेशा बताएं माइनस लेना है, 7 × 7 = 49 में से 2 गया 47 यानी 47 इसका आंसर आ जाएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तब। तो एक तरह से अगर इसका हमको जनरल फॉर्मूला बनाना है तो जनरल फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, सो देखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, अगर जहां पे 4 वाला मिले तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, सो देखिए यहाँ पे भी 4 वाला मिले तो उसका जनरल फॉर्मूला, अगर हम लोग को x + 1/x = k दिया हुआ है, और अगर हम लोग से पूछ रहा है x + 1/x^4 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ से फर्स्ट स्टेप
ये क्या दो स्टेप में ये बनता है। स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप क्या है, के स्क्वायर माइनस टू। तो देखिए के स्क्वायर माइनस टू, इससे कुछ सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक मान लीजिए नया नंबर आया बी। अब क्या कीजिए, सेकेंड स्टेप, ये जो सेकेंड स्टेप है वो क्या करना है, सेकेंड स्टेप है कि ये जो बी आया, अब इस बी को फिर से क्या कीजिए, बी स्क्वायर में से टू घटाइए। जो भी बी आया उसको फिर से एक बार स्क्वायर कीजिए, उसमें से दो घटाइए, जो भी वैल्यू आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो ये दो स्टेप में बनता है। फर्स्ट स्टेप इसको स्क्वायर करके माइनस टू, जो भी वैल्यू आएगा इधर, मान लीजिए बी वैल्यू आया, बी को फिर से स्क्वायर कीजिए, फिर से पांच किया आया था, यहाँ पांच है, इतना बराबर पूछ रहा है, पांच का स्क्वायर कीजिए, पच पचे पच्चीस में से दो गया तेईस आ जाएगा, फिर तेईस के स्क्वायर माइनस दो, तेईस तेईस पांच सौ उन्तीस, पांच सौ उन्तीस में से दो घटाएगा तो 527 आंसर। एकदम सिंपल है, लॉजिक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस अब आते हैं फोर है, अब आते हैं फिफ्थ में, इसके बाद फिर देखेंगे सिक्स में। तो अब आते हैं कौन सा में, फिफ्थ में। अगर मान लीजिए यहाँ पावर फोर दी, सॉरी यहाँ अगर यहाँ पे पावर फिफ्थ फाइव दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको देखिए। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को दिया हुआ x प्लस वन बटा एक्स बराबर फाइव ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग को यहां से नहीं फाइव बोलिएगा कि नहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग से पूछे x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का वैल्यू अब कितना होगा, देखिए ना कभी कभी एग्जाम वाला क्या करता है ना कि इसका वैल्यूआ दे देता है और कहता है कि ई वाला वैल्यूआ निकाल के बताइए, तो इसका भी बताएंगे, इसका भी ट्रिक किस तरह से काम करता है। सो देखिए, अगर हम लोग को x टू द पावर 5 प्लस 1 बटा x टू द पावर 5 दिया हुआ है तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए ये जो 5 है ना, इस 5 को ऐसा टर्म में, ऐसा दो गो टर्म में तोड़ना है। देखिए ये जनरली क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, ऑड इवन में मत जाइए, उसमें और लफड़ा हो जाएगा, बस जो सिंपल है उसी को फॉलो बताते हैं। जैसे देखिए x टू द पावर 5 प्लस 1 बटा x टू द पावर 5 है, ये डिजिट को 5 को दो डिजिट में ब्रेक करना है। तो देखिए और दो डिजिट में ब्रेक करना, ध्यान रखिए एक को छोड़ा के, एक को नहीं लेना है। तो इस 5 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 और 2 के टर्म में, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। क्या 3 और 2, अच्छा पहले 2 लिखते हैं, कैसू तोड़ सकते हैं, मतलब दो या तीन, तीन दो कैसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले दो और तीन, तो देखिए ये जो अब इसको हमको यूज करना है, इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में पहले स्क्वायर के साथ ब्रेक करना है, इसके बाद फिर क्या करना है, क्यूब के साथ ब्रेक करना है। तो जैसे देखिए अभी पीछे बताएं कि स्क्वायर के, अगर स्क्वायर रहेगा तो कैसे ब्रेक करेंगे और क्यूब रहेगा तो कैसे ब्रेक करेंगे। तो बस पहले लेते हैं स्क्वायर वाला को, अगर स्क्वायर यानी दो वाला के यूज करते हैं तो दो वाला के यूज करेंगे तो जैसे देखिए अगर स्क्वायर रहता है तो क्या हम लोग करते थे, तीन का और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, तीन के स्क्वायर माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, तीन तिया ही नौ में से दो गया सात। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्यूब वाला यूज करेंगे, क्यूब वाला, ये स्क्वायर था अब क्यूब यानी सेकेंड, अभी इसको फर्स्ट मान लीजिए, अब सेकेंड में क्या करेंगे, तीन को यूज करेंगे। तो तीन क्यूब वाला कैसे करते थे, जो भी ये डिजिट रहता था उसका पहले क्यूब करते थे, इसके बाद क्या करते थे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, माइनस थ्री गुने के, यानी के का वैल्यू क्या था, तीन, यानी अब ये क्या करेंगे, थ्री गुने थ्री तो कितना मिलेगा, सो देखिए तीन तिहाई नौ तिहा सत्ताईस, माइनस तीन तिहाई नौ, सत्रह में से नौ गया आठ, यानी क्या मिलेगा, अट्ठारह, ये हम लोग को मिला सेकेंड। अब देखिए जहां पे ये दो हम लोग को दो आया स्क्वायर वाला को, तो पांच को हमेशा ध्यान रखिए स्क्वायर ये दो तीन के टर्म में ही ब्रेक कीजिएगा। तो यहाँ पे मिला सात हम लोग को और यहाँ पे मिला अठारह। अब क्या कहता है ना ट्रिक, अब बोलता है कि जो भी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आया उस दोनों को क्या करो कि आराम से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अठारह सत्य छब्बीस, एक सौ छब्बीस, आठ सत्य छप्पन के छह, हाथ में जाए पांच, आठ एकम सॉरी सात आठ छप्पन, सात एकम सात पांच बारह, यानी एक सौ छब्बीस इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह से और रहता है, मान लेते हैं कि अगर x प्लस वन बटा एक्स बराबर थ्री, सॉरी अभी टू ले लेते हैं, टू नहीं, मान लेते हैं कि कितना ले, कितना ले सकते हैं, फोर लेते हैं, और अगर हम लोग से पूछ रहा है कि x से पावर फाइव प्लस वन बटा x से पावर फाइव का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको दो और तीन के पैटर्न में तोड़िए, पांच को दो और तीन के टर्म में, तो दो वाला के साथ पहले जो स्क्वायर रहता है, स्क्वायर वाला क्या करते हैं, फोर के स्क्वायर माइनस टू, यानी चर्चों का सोलह में से दो गया, चर्चों का सोलह में से दो गया चौदह। अब फिर क्या करेंगे, अभी चौदह के पावर तीन करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस चौदह के पावर तीन माइनस
हमेशा ध्यान रखिए 14 के पावर 3 माइनस 3 गुने के ये वाला नहीं लेना, कौन सा लेना है ये वाला 4, यानी 3 गुने 4, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है। सॉरी ये तो गड़बड़ हो रहा है हम लोग का, ये तो फर्स्ट इक्वेशन मिला, ऐसे इसको नहीं, ऐसे करना क्या इसके जैसा, पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाला करेंगे तो क्या हम लोग को यहां से मिलेगा 4 के स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 चौका 16 में से 2 गया 14, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब क्या करना, अब क्यूब वाला का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो क्यूब वाला का कॉन्सेप्ट क्या था, यहां से देखिए 4 के पावर 3 माइनस क्या था 3 गुने 4, ये था क्यूब वाला, यानी जो भी कॉन्सेप्ट है के क्यूब माइनस 3k था, तो k के जगह 4 है, यानी अभी इसको कैसे करेंगे 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 4 दिया 12, 64 माइनस 12, 6 में से 4 गया 2 मिलेगा, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे बचा हम लोग को 5 में से 1 गया 3, यानी हम लोग को मिलेगा 32, 4 में से 1 गया 5 होगा ना, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, यानी 52 मिलेगा, 2 2 4 5 6, तो देखिए 52 फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगा। अब क्या करना है, और लास्ट स्टेप क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, यानी 52 × 14 जो भी आएगा वैल्यू वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जनरल फार्मूला कैसे बनता है, तो इसको मिटा देते हैं, अब इसको देखिए जनरल फार्मूला हम बना दे रहे हैं, तो जनरल फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको 2 और 3 के टर्म में ब्रेक करना है, और जहां पे 2 और 3 के टर्म में मिले तो सबसे पहले स्क्वायर वाला को क्या करना है, स्क्वायर वाला को मान लेते हैं इतना बराबर ये क्या के है, इतना बराबर ये क्या है, ये के है, ठीक ना। तो हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस 2, मान लेते हैं के स्क्वायर माइनस 2 कैलकुलेशन किए तो बी मिला हम लोगों को, ठीक। और फिर सेकेंड में क्या करेंगे, क्यूब में करेंगे, क्यूब वाला का क्या कॉन्सेप्ट था, k^3 - 3k, तो मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन के k^3 - 3 के बराबर हम लोग को मिला a, और थर्ड स्टेप यानी ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, तो लास्ट हम लोग को क्या काम कर रहा था कि दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी बी गुने ए मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग कहाँ तक पहुंचे, 5 तक पहुंचे। अगर इसी तरह से हम लोग का 6 मिल जाए, 6 वाला टर्म मिल जाए, तो 6 वाला टर्म को हम लोग कैसे डील करेंगे वो देखिए, और ये ध्यान रखिएगा प्लस माइनस बताते जा रहे हैं हमेशा, अभी प्लस प्लस है इसीलिए सब जगह माइनस माइनस यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे जहां पे भी चेंज हुआ कुछ दोनों में से, तो इधर जो साइन है, साइन कन्वेंशन जो भी इधर साइन दिए हैं, उस साइन को यूज कीजिएगा और सोल्यूशन कर दीजिएगा, आ जाएगा। अगर मान लेते हैं अभी हम लोग को दिया जाए कि अगर x^6 रहे, तो उसका ट्रिक हम लोग किस तरह से अपनाएंगे, x^6 x^6, और मान लेते हैं कि अभी यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 यानी x+1/x = 5 और x^6 + 1/x^6 है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, x+1/x = 5, x^6 + 1/x^6 = क्या हो, तो इस तरह का क्वेश्चन जहां पे रहेगा, तो देखिए ये जो 6 है, इस दोनों 6 को क्या कीजिए, प्रोडक्ट के साथ, यानी इसको 3 × 2 के टर्म में ब्रेक करिएगा, 3 × 2, 3 × 2 = 6 होता, या 2/3 = 6 भी कर सकते हैं, 2/3 = 6 भी कर सकते हैं, तो इस तरह का सबसे बेसिक, तो इसको देखिए 2/3 = 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब आप तो पे डिपेंड करता है, लेकिन हम बताएंगे 3/6 पे, तो इस पे देखिए 3/6 पे ब्रेक कर रहे, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले इसको किस फॉर्मेट में ले जाना, क्यूब के फॉर्मेट में ले जाना, इसको सबसे पहले कौन सा फॉर्मेट में हमको ले जाना है, क्यूब के फॉर्मेट में, और क्यूब वाला क्या रहता है, जैसे देखिए अगर हम लोग को मान लीजिए पूछता है x³ + 1/x³, तो उसको हम लोग क्या ब्रेक करते थे, मान लेते कुछ भी अगर दिया हुआ है, इतना बराबर कुछ दिया था, इतना बराबर कुछ रहा था, तो करते थे क्या, के क्यूब माइनस करते थे, क्योंकि प्लस है, माइनस करते थे 3 के, इस तरह से करते थे ना, तो इसको भी सबसे पहले इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं, और फिर उसको जैसे देखिए पहला स्टेप क्या करना है, इसको जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको क्यूब के फॉर्मेट में ब्रेक कीजिए, किस फॉर्मेट में, क्यूब के, तो क्या मिलेगा, 5 के पावर 3 माइनस क्या होता है, 3 गुने के, के का वैल्यू कितना है 5, 3 × 5 क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25, 125 - 15, तो 125 में से 15 घटाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 110, 5 × 5 = 10, 2 में से 1 गया 1,
यानी 110 मिला। अब देखिए जब हम लोग क्यूब किए तो हम लोगों को क्या मिला, 110 मिला। अब सेकेंड स्टेप, ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप था, ध्यान रखना है कि हम लोग का फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप अब हम लोग को क्या करना है, ये जो वैल्यू मिला, ये जो वैल्यू मिला, अब इस वैल्यू को अब हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये जो भी वैल्यू मिला अब इस वैल्यू को स्क्वायर करना है। तो इस वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर वाला अब हम लोग कैसे यूज करते थे, स्क्वायर वाला हम लोग यूज करते थे के स्क्वायर माइनस टू, केवल और केवल के स्क्वायर माइनस टू करते थे। तो अब हम लोग को समझिए एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर अब हम लोग को क्या मिला, 110 मिला, 110। अब हम लोग को इस फॉर्मेट के साथ, इस फॉर्मेट के साथ अब इसको यूज करेंगे। तो के का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 110। तो के का वैल्यू 110 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसमें से आराम से माइनस टू घटा दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, ग्यारह ग्यारह कैसा से 121 पर कै गो जीरो, एगो दूगो, दूगो जीरो, इसमें से दू घटा दीजिए। और आप लोग और कोई मेथड से जानते होंगे तो उस मेथड से भी बना के देखिएगा, आंसर सेम आएगा। 10 में से 2 गया 8, देखिए 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 9 बचा, यहाँ कितना बचा 0 बचा, यहाँ 2 बचा 1 बचा, 8 में से 2, 8 और 2 10, 9 1 10, ठीक 2, यानी इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, 1298। तो देखिए इसको हम लोग क्या किए, सबसे पहला जो भी वैल्यू था उसको क्यूब के फॉर्मेट में चेंज किए। क्यूब के फॉर्मेट में कैसे, के क्यूब माइनस 3 के, के क्यूब माइनस 3 के फॉर्मेट में चेंज किए तो इतना हम लोग को वैल्यू मिला। अब इस वैल्यू को क्या किए कि स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर दिए, स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज किए यानी 110 के स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर करके और इसमें से 2 घटा दिए, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसा ही नहीं करते थे, ये वो वैल्यू दिया हुआ है अगर इतना बराबर स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं। 110 के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1298 मिलेगा, 1298 सॉरी 1298 ये हम लोग को मिलेगा। अब देखिए मान लेते हैं कि अब और दूसरा क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे अप्लाई करने के बाद एक हम आप लोगों को जनरल फार्मूला बता देंगे, उस फार्मूला पे आप लोग कहीं भी कोई कैसे भी डायरेक्ट पुट कीजिए और आंसर पाइए। मान लेते हैं कि यहाँ अगर हम लोग 3 रखते हैं, 3 तो क्या अब हम लोग को मिलेगा, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको क्यूब की, इसको क्या करना है, 3 × 2 के फॉर्मेट में चेंज करना, सबसे पहले इसको क्यूब के फॉर्मेट में चेंज कीजिए। क्यूब वाला के फॉर्मेट में क्या करते हैं, 3 के पावर 3, सबसे पहले 3 के पावर 3, माइनस क्या करते हैं 3 के, क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहा है, अगर यहाँ पे माइनस रहता, ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस रहता तो ये भी साइन क्या हो जाता, प्लस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मेट पे इस पे ध्यान रखना है ना। 3 के पावर 3 माइनस, ओके के जगह वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट 3, 3 × 9 = 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, 27 में से 9 घटाएंगे तो 17 में से 9 गया, 9 × 8 = 17 और 2 × 1 यहाँ 18, यानी 18 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 18 है अब इसको ब्रेक करेंगे स्क्वायर के फॉर्मेट में, यानी स्क्वायर के फॉर्मेट में करने का मतलब 18 के स्क्वायर - 2, 18 कितना आता है 324 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 322, और ये 322 क्या फाइनल आंसर है। 64 के 7, 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 × 8 और 2 = 16, 6 = 22 हाथ में बचा 2, 1 × 1 और 2 = 3, 324 में से 2 गया 322, ये हम लोग का फाइनल आंसर मिलेगा। सबसे पहला क्या किए, क्यूब के फॉर्मेट में ले आए, हम लोग को मिला क्या 18 मिला। अब इस 18 को यूज करना है स्क्वायर की तरह, स्क्वायर वाली तरह क्या था, 18 के स्क्वायर - 2, यानी इसको स्क्वायर कीजिए उसमें से 2 घटाइए तो 322 मिलेगा। तो देखिए अब इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो जनरल फार्मूला कैसे लागू करेंगे इस तरह में, सो देखिए अगर मान लेते हैं इतना ये क्वेश्चन है दिया हुआ था, इसको हम जनरल फार्मूला बना देते हैं। अगर हम लोग को दिया हुआ 1/x बराबर, अगर मान लेते हैं k दिया हुआ है और हम लोग से पूछ रहा है x^6 प्लस 1/x^6 बराबर क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, ये जो k है, ये जो k है इसको k का क्यूब माइनस 3k कीजिए, ये स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप। k^3 - 3k, तो k^3 - 3k तो इसका कुछ इधर वैल्यू आएगा, मान लेते हैं b, हम वैल्यू मान ले कोई भी b हो सकता है, b की जगह कुछ भी हो सकता है। अब क्या किए, अब यहां से सेकेंड स्टेप हम लोग को काम करना है, सेकेंड स्टेप काम करना है कि ये जो b हम लोग को यहाँ से निकलेगा, ये जो b का वैल्यू निकलेगा, अब इस b को क्या करना है, स्क्वायर कर देना, यानी b के स्क्वायर करना और इसमें से माइनस 2 घटा देना, यहाँ के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी x^6 प्लस 1/x^6 का फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हम लोगों का ट्रिक था। एक से देखिए, एक से हम लोग क्या किए, एक से 6 तक हम लोग अच्छे से कवर कर चुके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रिक में देखेंगे कि अगर कितना बड़ा से बड़ी डिजिट रहे, 1 से पावर 1000, 5000, 10000, 50000 कितना भी रहे, तो उसमें हम लोग उस पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे।
ठीक ना। तो एक अभी हम होमवर्क दे दे रहे हैं, उस होमवर्क को आप लोग को बताना है कि अगर सिक्स से ही दे देते हैं, इसी से दे देते हैं कि अगर आप लोगों को x प्लस वन बटा एक्स बराबर नाइन दिया हुआ है, x प्लस वन बटा एक्स बराबर नाइन दिया हुआ है, तो आप लोग वैल्यू निकाल के बताएगा x टू द पावर सिक्स प्लस वन बटा x टू द पावर सिक्स बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को हम दे दे रहे हैं कि अगर x माइनस वन बटा एक्स के बराबर छ दिया हुआ है, x माइनस वन बटा एक्स के पावर x माइनस वन बटा एक्स बराबर छ दिया हुआ, तो आप लोग निकाल के बताएगा x के पावर थ्री प्लस वन बटा एक्स के पावर थ्री का वैल्यू क्या होगा। और एक थर्ड क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि अगर x माइनस वन बटा एक्स बराबर नाइन दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग x टू द पावर फोर प्लस वन बटा एक्स टू द पावर फोर का वैल्यू क्या होगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और फिर आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का ट्रिक उन लोग भी समझ सके। ठीक, थैंक यू, बाय।